एंड इन्वेस्टमेंट, ये चार प्रोसेस के द्वारा इकोनॉमी में कार्य किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि इकोनॉमी में मेनली चार प्रोसेसेस हैं बच्चे। द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोडक्शन, जहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। द सेकेंड प्रोसेस इज कंजम्पशन, यहां पर कंज्यूमर अपने गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। थर्ड प्रोसेस होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में एंटरप्रेन्योर पैसा इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके द्वारा वो या तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है या जनहित का काम सोशल वेलफेयर कर सकता है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जब गुड्स कहीं पर भी बना दिया जाता है तो इस गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इकोनॉमी के अंदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन इन चार फैक्टर से किया जाता है। द फर्स्ट फैक्टर इज लैंड, लैंड मतलब एक जगह, प्लेस। द सेकेंड फैक्टर इज लेबर, लेबर का मतलब है बच्चों मजदूर और श्रम। द थर्ड फैक्टर इज के, के स्टैंड फॉर कैपिटल, कैपिटल का अर्थ होता है बच्चे पैसा या पूंजी। और लास्ट ई इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। इसके बाद आज का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? अगला टॉपिक है बच्चों स्कार्सिटी। देखो बेटा, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कार्सिटी इज कमी, चीजों का अभाव। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ही कंट्री के अंदर गर्मी बढ़ जाती है बच्चों, तो उस केस में कंट्री में दो कमोडिटी, दरवाजा बंद, दरवाजा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इनका डिमांड बढ़ने लगता है। अर्थात गर्मी बढ़ने के कारण कमोडिटी का डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चे, और उसकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, जबकि प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी इज कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान देना, गर्मी बढ़ने के साथ साथ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर राइजेस, एंड इवन इन दैट टाइम द सप्लाई फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इन सच सिचुएशन स्कार्सिटी अराइजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में स्कार्सिटी उत्पन्न हो जाती है। स्कार्सिटी का हिंदी मीनिंग है अभाव, अर्थात कमी। यानी आप ऐसा महसूस करते हैं कि पानी की सप्लाई उतनी नहीं आ रही है, और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर या इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो रहा है। Why? When demand exceeds supply. मैंने दो नए कंसेप्ट टच किए, डिमांड और सप्लाई। अर्थात डिमांड का मतलब होता है मांग, आप किस चीजों को अपनी नीड के लिए मांगते हैं, और सप्लाई का अर्थ होता है पूर्ति, कैसे उत्पादक प्रोड्यूसर आपके उस नीड को गुड्स और सर्विस से फुलफिल करता होता है। तो स्कार्सिटी इज टॉक्ड इन रिलेशन विथ डिमांड एंड सप्लाई। इसकी बात हम डिमांड और सप्लाई के रिलेशन में करते हैं बच्चे। द सिचुएशन इन विच देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मैं कह रहा हूं द सप्लाई इज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू डिमांड, डिमांड बढ़ता चला जा रहा है जबकि सप्लाई लिमिटेड है। ऐसे केस में स्कार्सिटी उत्पन्न हो जाती है। इट इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ डिमांड व्हेन यू टॉक इट इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपके घर में 1000 लीटर पानी की खपत डेली है, और दिल्ली जल बोर्ड केवल 800 लीटर पानी आपके घर में दे पा रहा है। इस अवस्था में, इस सिचुएशन में 200 लीटर पानी की कमी आ जाएगी, और आपको अपने कुछ नीड्स को कर्टेल, कम करना पड़ेगा, सो दैट
your demand and supply matches. So last time, what is scarcity? Scarcity is limitation of supply in relation to demand. जब कभी भी इकोनॉमी में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग अधिक होती है और उसकी पूर्ति कम होती है, ऐसे अवस्था को हम लोग अभावी कमी या स्कैर्सिटी कहते हैं। बच्चों, आज की पढ़ाई का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, थर्ड टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम अर्थात आर्थिक क्रियाएं, या इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो आज का थर्ड टॉपिक बच्चे में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, एंड द टॉपिक इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो बेटा, हम सभी इंसान हैं और हमारा मन करता है कि हमारे पास हर सुख सुविधाएं हो, यानी हमें ये चाहिए, हमें इससे अच्छा भी चाहिए, हमें कुछ बाजार में नया है वो भी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के तीन पहलू हैं बच्चे। इसका सबसे पहला पहलू है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जरूरत असीमित होती है, यानी वस्तु या सेवाओं के लिए मनुष्य का मन कभी भी नहीं भरता है, और जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है उसके मन में नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। As soon as our one want is fulfilled, a new want crops up. देखो बच्चे, मैं अपनी एक रियल स्टोरी आपसे साझा करता हूँ छोटी सी। मैं बहुत साल पहले, 30 साल पहले दिल्ली आया था, तो एकमात्र इच्छा थी कि मेरे दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, एंड somehow आई गेट एडमिशन इन वन ऑफ द कॉलेज ऑफ DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब ये इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा खत्म नहीं हुई, अब अगली इच्छा क्या शुरू हो गई कि मुझे पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहिए, यानी मैं बस के बजाय किसी अपने व्हीकल से जाऊं, और फिर मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद लिया। तो देखो बेटा, मेरी वांट्स अनलिमिटेड हैं। जैसे ही मेरी एक इच्छा पूरी हुई, एक नई इच्छा ने जन्म लिया और मैंने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद लिया। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कॉलेज के बच्चे बाइक से भी जाते हैं, तो स्कूटर से बाइक। फिर मैं किराए के मकान में रहता था, तो ऐसा महसूस होने लगा क्यों ना अपना एक छोटा घर हो। मैं इसलिए ये कंसेप्ट आपको दे रहा हूं बच्चे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जरूरतें असीमित होती है। एज सून एज वन वांट्स फुलफिल, अदर वांट्स क्रॉप्स अप। जैसे आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, आपके मन में नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है बच्चे, क्या हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं? मेरे वांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या, वेदर आई एबल टू फुलफिल ऑल माई वांट्स? तो इस वांट्स को फुलफिल करने में कौन आपकी मदद करता है बच्चों? उसे हम लोग रिसोर्सेस या संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए, और यहां पर एक ऑब्स्टिकल आता है, रिसोर्सेस आर स्कैर्स या रिसोर्सेस आर लिमिटेड। संसाधन सीमित है। देखो बच्चे, मैं पुराने एग्जांपल से इसको करेक्ट करता हूं। जब मैंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना चाहिए, मेरे पास कुछ अपना मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला, सेकेंड हैंड स्कूटर। क्यों? क्योंकि उन दिनों फर्स्ट हैंड स्कूटर 15,000 रुपए में आता था और मेरे पास व्हीकल खरीदने के लिए 3,000 रुपए था। अब आप इन दोनों चीजों को बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। मैं अपने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहता था, बट टू फुलफिल दैट वांट रिसोर्सेस आर स्कैर्स और लिमिटेड। उस जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास संसाधन बहुत ही सीमित था, और जो केवल 3,000 रुपए था। अर्थात उस 3,000 रुपए से एक नया व्हीकल खरीदना पॉसिबल नहीं था, तो अपने अनलिमिटेड वांट को मैंने 3,000 रुपए, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स से फुलफिल करने की प्रयास की।
तो देर आर टू कंपोनेंट दैट आई डिस्कस विथ यू. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का पहला कंपोनेंट होता है बच्चे वांट्स, और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की जरूरतें असीमित हैं. द सेकंड एस्पेक्ट इज बट रिसोर्सेस आर स्कैर्स और रिसोर्सेस आर लिमिटेड. उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं. अब करे तो क्या करे. उन्हीं दिनों में किताब भी मेरी जरूरत थी, कपड़े भी मेरी जरूरत थे, मैं गाड़ी से भी कॉलेज जाना चाहता था. अर्थात रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं बच्चे. वही पैसा मेरे बुक के नीड को फुलफिल कर रहा था, सेम पैसा मेरे क्लोथ के नीड को फुलफिल कर रहा था, और उसी पैसे से मैं अपना रेंट भी देता था बच्चों जहां मैं रहता था. अर्थात रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दैट रिसोर्सेस आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. सो आई प्रायोरिटाइज माई यूजेस. मैं अपने जरूरतों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से अरेंज करता था बच्चों कि सबसे पहले क्या जरूरत है. तो फिर हम वापस लौट आएंगे द थ्री बेसिक नीड्स. हमारी सबसे पहले जरूरत फूड है बच्चे. हो सकता है मैं फुटपाथ पर भी रह लूं, लेकिन खाने की आवश्यकता मुझे तभी भी होगी. अर्थात पैसे का सबसे पहला हिस्सा मुझे अपने भोजन की जरूरत के लिए अलग करना पड़ेगा. तो मैंने प्रायोरिटी नंबर वन क्या रखा, फूड. देन कम्स क्लोथ. उसके बाद मुझे क्लॉथिंग की जरूरत है, वस्त्रों की जरूरत है. देन कम्स शेल्टर. ये थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे और अभी भी हैं. अब ये दो नीड और बढ़ गए हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इन सब के बाद इंसान अपने एड ऑन नीड की तलाश करता है. देन कम्स एजुकेशन, फैमिली मेंबर्स, अपना कंफर्ट लेवल. तो जब हम अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर में आता है बच्चे हमारे सोसाइटी से जुड़ी हुई नीड, समाज में मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस. वहां बारी आती है कि क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ या अपनी गाड़ी. अपनी गाड़ी में टू व्हीलर या फोर व्हीलर, फोर व्हीलर में नॉर्मल या एसयूवी मॉडल्स. अर्थात जैसे जैसे हमारी एक जरूरत पूरी होती चली जाती है बच्चे, हमारी जरूरतें बढ़ती चली जाती है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं. अर्थात इस रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस होता है बच्चों, और इस कारण से हमें अपने यूजेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. सो थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस आर द नंबर वन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. द नंबर टू, रिसोर्सेस आर स्कार्स और लिमिटेड. एंड द नंबर थ्री, द रिसोर्सेस आर हैविंग अल्टरनेटिव चॉइसेस और अल्टरनेटिव यूजेस. तो मैं फिर वापस लौट कर आता हूं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है बच्चे. इकोनॉमिक सिस्टम है हाउ अ पर्सन मैनेजेज हिज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, हैविंग अनलिमिटेड वांट्स विद अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस. तो बच्चों एक बार मैं फिर आपको आज का तीसरा टॉपिक समझा रहा हूं बच्चों कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम. इट इज अ सिस्टम इन विच पीपल